हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मजाक मजाक में आप पास हो गए हो? Yes, और मजाक मजाक में आप सीए इंटर में भी आ गए हो, हैं? तो आज ना हम दुकान खोलते हैं और एक पेपर नंबर स्टार्ट करते हैं आपके साथ। पेपर नंबर है 2, जयकार लगाओ। पेपर नंबर क्या है? 2। ठीक है ना, तो आप सब एक हेडिंग बनाते हुए पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, है ना? चलें स्टार्ट करें। पेपर नंबर 2 का नाम अपना क्या है बेटा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। पेपर नंबर 2 का नाम क्या है बच्चे अपना? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। एक बार जयकारा आ जाए, इंटर में फर्स्ट जयकारा। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम पेपर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, सीए फाउंडेशन में क्या होता था, जब आप थे तो लॉ और इंग्लिश का पेपर एक साथ होता था, पर अब वो हट गया है। वहां पर भी 100% लॉ हो गई है और अब इंटर में तो पहले से भी यही था, यानी आपका फुल फ्लैच पेपर सिर्फ लॉ पर ही है। आपका फुल फ्लैच पेपर सिर्फ लॉ पर ही है, तो यानी हम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का जो पेपर करेंगे वो 100 मार्क्स का अपना पेपर है। ठीक है बच्चे, यस और नो? चलो जी, अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जो इंटर में लॉ के पेपर्स हैं उनमें हमें करना क्या होगा। देखो बेटा, आपको कोई भी पेपर आप पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, सब में एमसीक्यू डाल दिए गए हैं, यानी हर पेपर आपका क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर है। तो जैसे अगर ये 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स में से बच्चे 70% पेपर, यानी लगभग कितने मार्क्स हो गए, 70 मार्क्स, है ना? तो जो आपका 70 मार्क्स का पेपर है ना बच्चे, वो अपना क्या रहने वाला है, सब्जेक्टिव रहने वाला है। एक बार बोलना पड़ेगा, वो अपना क्या रहने वाला है बेटा, है ना? और जबकि 30 मार्क्स का पेपर, यानी 30% पेपर हमारे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आएगा, यानी एमसीक्यू के रूप में आएगा। ठीक है ना? अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो आपको 2 तरह के एमसीक्यूज आएंगे इंटर लेवल पर। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एमसीक्यू का नाम है बेटा इंटीग्रेटेड एमसीक्यू, जिसको अलग अलग नाम दे देता है, कोई केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू बोल देता है ना? तो इंटीग्रेटेड एमसीक्यू जो अपना होगा उसके अंदर क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उस मतलब एक केस स्टडी दे रखी होगी बेसिकली, और उस केस स्टडी पर बेस्ड 4 से 5 एमसीक्यू पूछ लेंगे आपसे। ठीक है ना? एक इस तरह के एमसीक्यू आएंगे और एक सिंपल एमसीक्यू जो आप पहले भी पढ़ते हुए आ रहे थे, 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन, यानी जस्ट लाइक केबीसी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। समझ आ रहा है? इसका ए है तो अगले का ए नहीं हो सकता, क्या होगा, बी। समझ आ रहा है आपको? जो आप करते थे बस वही प्रोसीजर आगे भी चलेगा। तो यानी एक होता है अपना क्या, सिंपल एमसीक्यू, जिसमें 1 क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस, है ना? तो अगर आपको मैं अपनी बुक दिखाऊं, जैसे कोई भी अपना चैप्टर कर लेते हैं, ये रुको, चलो हमारा लेट सपोज एक चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर, तो मैं आपको झलक भी दिखलाता हूं क्योंकि आप सबके मन में भी होगा झलक दिखला जा, कैसे से एमसीक्यू आएंगे। देखो, एक हो गया अपने सिंपल एमसीक्यू, 1 क्वेश्चन और कितनी ऑप्शन, 4 ऑप्शंस, ठीक है ना? और कुछ होते हैं जैसे ये देखो केस स्टडीज एमसीक्यू, उसमें क्या होगा, आपको ये केस स्टडी दे रखी है और इस केस स्टडी पर बेस्ड 3 से 4 क्या पूछ लेंगे, एमसीक्यू। तो यानी आपको अगर एमसीक्यू भी 2 लेवल के अब आएंगे। पहला एमसीक्यू का लेवल बच्चे अपना कौन से वाला होने वाला है, इंटीग्रेटेड एमसीक्यू, जिसको केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू भी कह देते हैं तो कोई फर्क नहीं है,
तो ये सब चीजों के लिए बेटा आपको ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से चलना पड़ेगा। आप पहले दिन माइंड से ये निकाल दो कि हमें कुछ चीजें रटनी है ना, आप रट के नहीं चलेंगे, आप समझ के चलेंगे चीजों को, और मेरे ख्याल से आप आराम से समझ भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो 30 मार्क्स में से हम फर्स्ट डे पर ही अपना टारगेट लेते हैं 29 प्लस का, और आराम से आते हैं, आराम से आते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स को ढंग से सुनेंगे और प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, ठीक है ना, तो आप ये सब मिल जाएगा आपको आराम से, कि आप क्या कर पाएंगे, ये 30 में से 29 प्लस का टारगेट कर लेंगे। समझ आ रहा है आपको? अब सब्जेक्टिव पेपर में सर कैसे से क्वेश्चंस आएंगे? सब्जेक्टिव पेपर में भी बेटा दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन केस स्टडीज ही होंगे, क्योंकि आप सबको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने क्लाइंट्स को सर्विस देनी होगी, तो आपको वो रटे रटाए वाले क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांस है। 2-4-5 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ज्यादातर बेटा केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात करूं तो केस स्टडीज क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, समझ आ रहा है आपको। और कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस कि यार ये बता दो कि इररेगुलर अलॉटमेंट के केसेस कौन से होते हैं, तो उसमें तो आपको सीधा सीधा लिखना होगा कि इररेगुलर, एक वैसे एग्जांपल लिया कि इररेगुलर अलॉटमेंट के कुछ केसेस बता दो, कुछ पनिशमेंट बता दो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, समझ आ रहा है। और कुछ केस स्टडीज होंगे, वो आपसे पूछ लेंगे, आपने बचपन में पढ़ाई फाउंडेशन में, वही है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड में क्या होता था, आपसे पूछ लेंगे क्या ये होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ऐसी बातें आप सबने सुनी ही हुई है। तो यानी कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो मैक्सिमम अगर पेपर देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, तो आपको फर्स्ट डे से एक ही टारगेट लेना है कि हम कॉन्सेप्चुअली साउंड रहेंगे, ठीक है ना बेटा। तो अभी तक की बातें करते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और आप सब बताओ पेपर नंबर कौन है? 2। सारे 2 नंबर के काम तुम्हारे भाई के ही हैं। फाउंडेशन में पेपर नंबर क्या होता था मेरा? 2। ग्रुप 1 में पेपर नंबर कौन है? 2। ग्रुप 2 का पेपर नंबर? 2। सारे 2 नंबर के काम तुम्हारे भाई के हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? इंस्टीट्यूट को भी पता था, तभी उन्होंने वो यही नंबरिंग रखी है। चलो बढ़िया हो गया। पेपर नंबर अपना कौन सा है? 2। और अगर मैं पेपर नंबर 2 की बात करूं तो इसका नाम क्या है बच्चे? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे क्या बच्चे? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अच्छा, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज 100 मार्क्स का पेपर है अपना। Yes, और इसमें क्या आएंगे बताओ? 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का objective. और ऑब्जेक्टिव में 2 तरह के MCQ, इंटीग्रेटेड MCQ और सिंपल MCQ। और सब्जेक्टिव पेपर की अगर बात करूं, यानी जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे, तो वो 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे और कुछ, ठीक है ना। और इस 70 में से आराम से नॉर्मल बच्चा भी 70 में से 49 तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो लगभग आप 78-80 मार्क्स का टारगेट अपना लेकर चलेंगे कि हम इसके तो ज्यादा ही लाएंगे, इससे कम में हमारी बात बनने नहीं वाली, ठीक है ना। टारगेट माइंड में जैसा रखेंगे, बताऊं, जैसा आप रखोगे अपना टारगेट वैसे आप एफर्ट लगाओगे। तो पहले दिन से एफर्ट लगानी है कि 80 प्लस का टारगेट है हमारा, समझ आ रहा है आपको। 80 प्लस का टारगेट आप लॉ में लेकर चलेंगे और आराम से अचीव भी कर लेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो 100% अचीव कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, हम सर लॉ पढ़ने तो आ गए, लॉ होती क्या है, यानी व्हाट इज लॉ। तो आप सबको एक हेडिंग बनानी चाहिए, क्या? व्हाट इज लॉ। बनाइए आपने। देखो, अगर मैं लॉ की आपके साथ बात करूं, तो लॉ का मतलब होता है वो सारे रूल्स जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने बनाए हैं। अगर मैं लॉ की आपके साथ बात करूं तो वो सारे रूल्स जो गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने बनाए हैं, बोलना पड़ेगा, वो सारे रूल्स जो गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द
ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को क्या कर पाए कंट्रोल कर पाए एंड टू मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी. एक बार लिखते हैं फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना. तो लॉ क्या होती है फिर हम समझेंगे भी. इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स, इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज. लॉ क्या होती है वो सारे रूल्स जो किसने बनाए हैं गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने. किस लिए बनाए हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी एंड मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी. चलो आपके साथ बात करते हैं. पहला सवाल, आप बताओ क्या आपका रेड लाइट पे रुकने का मन करता है या रेड लाइट जंप करने का. आप रेड लाइट जंप करते हैं, पुलिस वाले अंकल आगे से जंप करते हैं, बताओ बेटा फिर क्या हो जाता है, चलान कट जाता है. तो बताओ बेटा चलान की डर की वजह से आप रेड लाइट पे मजबूरन या बिना मन के रुकते हैं या नहीं रुकते. तो यानी आप अगर रेड लाइट पे नहीं रुकोगे, ठीक है ना, आप अगर रेड लाइट पे नहीं रुकोगे तो बताओ एक्सीडेंट होंगे या नहीं होंगे. 100% होंगे. तो एक्सीडेंट होने से बताओ आपका भी नुकसान होगा, सामने वाले का भी नुकसान होगा. तो यही बात, आप रेड लाइट पे क्यों रुक रहे हो, क्योंकि हमारे देश का कानून आपको कहता है, हमारे देश का कानून आपको कहता है, क्या कहता है कि आपको रेड लाइट पे रुकना है. यानी ये हमारे देश का एक रूल है कि आप रेड लाइट जंप नहीं कर सकते. चाहे आप इसके लिए सॉन्ग गा सकते हो कि तेरे लिए ही तो सिग्नल है ना, सॉन्ग गा सकते हो, पर एक्चुअल में नहीं कर सकते. लॉ आपको ये सब चीजें अलाउड, समझा रहे, ये रूल किसने बना रखा, हमारे यहां की गवर्नमेंट ने ही तो बना रखा है कि आप रेड लाइट जंप नहीं कर सकते. समझा रहे आपको, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होगा. तो यानी अगर आप रेड लाइट जंप करते हो तो आप कंट्रोल्ड मैनर में हो या अनकंट्रोल्ड मैनर में. पर हमारे देश का लॉ तो ये कहता है हम तो आपको कंट्रोल में ला कर ही रहेंगे. समझा रहा आपको. तो यानी आपके ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जितने भी रूल्स हैं. अच्छा आपने देखा होगा रात को 8 बजे के बाद माहौल अलग ही होता है दिल्ली की सड़कों पे. सुना है कभी, देखा है कभी, बताओ सारे बंदे क्या कह रहे होते हैं रात के. अगर 12-1-2 बजे देखो, 1-2 बजे का माहौल देखो तो और ज्यादा अलग सही होता है. सारे बंदे क्या कह रहे होते हैं, एक बंदा कह रहा था कैब कर लेते हैं, दूसरा अरे रहन दे यार गाड़ी तेरा है. पॉइंट समझा रहे, यानी ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक करके ड्राइव करोगे तो बताओ बेटा एक्सीडेंट होंगे या नहीं होंगे. यानी आप कंट्रोल्ड मैनर में हो या अनकंट्रोल्ड मैनर में हो. पॉइंट समझ आ रहा है आपको, आप अनकंट्रोल्ड मैनर में. लेकिन हमारे देश का कानून क्या कहता है कि अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करोगे तो आपको चलान कटेगा आपका, और आपकी गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी और आपको भी बंद कर दिया जाएगा. यानी अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करोगे तो आपको पोषण पा खेलना पड़ सकता है. पोषण पा समझते हो, यानी अब तो जेल में और जेल की रोटी और जेल का पानी, अब तो जेल में. समझ आ रहा है आपको. तो कई बारी अलग कलर का पानी पीने की वजह से जेल का पानी भी पीना पड़ जाता है, क्योंकि उस वजह से आप अनकंट्रोल्ड में चले जाते हो. तो बताओ ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में आपके बंद कर दिया जाता है, यानी आप पीकर गाड़ी ना चलाएं. तो ये हमारे देश का एक रूल ही तो है, हमारे देश का एक रूल ही तो है. तो यही तो बात चल रही है, यही तो बात चल रही है. लॉ क्या है, वो सारे रूल्स जो किस लिए बनाए हैं, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने बनाया है ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर को क्या कर पाए,
समझ आ रहा है? और अगर ह्यूमन कंट्रोल्ड मैनर में चलेगा, जिस देश के नागरिक सारे कंट्रोल्ड मैनर में चलेंगे, अपने आप से ही समाज में क्या रहेगी? शांति। पर आप बताओ, आपके एग्जाम डेज में अगर शोर मच रहा होता था तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगता था या बुरा लगता था? कि भाई पढ़ने दे यार, शोर, यानी जब शोर मचाया होता है ना, जब शोर होता है यानी शांति नहीं होती, तो आप सही ढंग से काम नहीं कर पाते। समझ आ रहा है आपको? शांति में ही आप सही ढंग से काम करोगे और आपके देश की ग्रोथ होगी। तो अगर जिस देश में जितनी ज्यादा शांति, जिस देश में जितनी ज्यादा शांति, वो देश उतना ही क्या करेगा? ग्रो। तो इसलिए तो गवर्नमेंट की ये कोशिश है, इसलिए तो गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हम अपने देश में क्या बनाए? शांति बनाकर रखें। पॉइंट समझ आ रहा है? नहीं तो आप सब बताओ बेटा, पाकिस्तान हो गया या ये सब कंट्रीज वगैरह होगी, ब्लैक लिस्ट जो कंट्रीज है, वहां पर तो हर कोई बाहर निकलते ही किसी को भी कराता है, आजा तुझे भी मैं करा दूं, और हर कोई यही कहता फिरता है, गैर कानूनी यार मेरे, यस और नो? और थोड़ी सी घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अचानक से आप बोलते थे बम आ गया, बम आ गया, यस और नो? आवाज में दम नहीं है, यस या नो? तो यही तो है, बम आ गया, कहीं से भी बम आ जाता है, कोई भी तवंचे पे डिस्को कराता है, तो समाज में शांति होगी या नहीं होगी? तो बताओ बेटा, अगर एक गोली या एक बम भी किसी एरिया में फट जाता है, तो बताओ उसमें वहां पर थोड़े दिन के लिए काम होना क्या हो जाएगा? बंद। देश ग्रो कर पाएगा? आवाज में दम नहीं है, देश ग्रो कर पाएगा? देश ग्रो नहीं कर पाएगा। तो लॉ क्या होता है? वो सारे रूल्स जो गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने बनाए हैं, किस लिए बनाया है? ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर सके और समाज में शांति ला पाए। बोलो बेटा, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, हमारे देश में लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कौन कौन है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो लिखना जरा, हेडिंग बनाओ। अब पहले अच्छा लॉ की डेफिनेशन सुन ले आपसे। लॉ क्या है? इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी। याद हुआ आपको? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हमारे देश की लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कौन है? हमारे देश की लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कौन है, उसके ऊपर हमें बात करनी है। अच्छा, लॉ में जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते थे, ना बेटा, है ना? तो वहां पर आप लॉ में लिखी हुई हर प्रोविजन को, हर पैराग्राफ को, हर पॉइंट को एक सेक्शन कह देते थे। लेकिन जो हमारा संविधान है, एक बार बोलना पड़ेगा, जो हमारा संविधान है, उसके पैराग्राफ को हम आर्टिकल कहते हैं। जयकार लगाओ, क्या कहते हैं हम? आर्टिकल। दम नहीं है क्या? आर्टिकल। यस। तो आर्टिकल नंबर 245 बताता है, 245 ये बताता है कि हमारे देश में दो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज हैं। हमारे देश में कितनी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज है? दो। तो लिखना जरा, आर्टिकल नंबर 245 ये कहता है कि दो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज है। समझ रहे हैं आप? पहली का नाम है पार्लियामेंट। पहली का नाम क्या है? आवाज में दम नहीं है। पहली का नाम क्या है? और दूसरी का नाम है स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरी का नाम है क्या? यानी हमारे यहां पर दो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज है, पहली का नाम पार्लियामेंट है और दूसरी का नाम स्टेट लेजिस्लेचर है। अब सवाल ये उठता है, कौन से मैटर पर कौन कानून बनाएगा? कौन से मैटर पर कौन कानून बनाएगा? बोला आपको पड़ेगा, कौन से मैटर पर कौन कानून बनाएगा? ये भी क्लियर कर दिया गया। कहां क्लियर करा गया? आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल 7। आर्टिकल कौन सा? रेड विथ शेड्यूल कौन सा? अगर आप संविधान का आर्टिकल नंबर 246 और शेड्यूल 7 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि
कि हमारे देश में तीन लिस्ट बनी हुई है। हमारे देश में कितनी लिस्ट बनी हुई है? तीन लिस्ट बनी हुई है जिसमें बताया गया है कि कौन से मैटर पर कौन लॉ बनाएगा, जिसमें बताया गया है कि कौन से मैटर्स पर कौन लॉ बनाएगा। बोलना पड़ेगा कौन से मैटर पर, ठीक है ना। तो उसमें से पहली लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, जयकार लगाओ। पहली लिस्ट का नाम क्या है? फर्स्ट लिस्ट का नाम समझ आ रहा है आपको? यूनियन लिस्ट में क्या होंगे? सेंट्रल लॉज, मतलब यूनियन मतलब सेंट्रल, पूरे देश पे जो लॉ बन रहे हैं, है ना। और सेकंड लिस्ट होगी अपनी स्टेट लिस्ट। एक बार ही बोलना पड़ेगा बेटा, सेकंड लिस्ट का नाम अपना क्या होगा? स्टेट लिस्ट में बनेंगे स्टेट लॉज, यानी इसमें लिखे होंगे सारे स्टेट वाइज लॉ, है ना। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको बताता हूं। अच्छा आप में से कोई दिल्ली के अलावा वाली जगह से भी कहीं बाहर से, हरियाणा से या कहीं से है? आप लोग हैं, कहीं हैं। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, दिल्ली में ओडीवन लगा था, क्या हरियाणा में भी लगा था? ऑडिवन लगा था ना पॉल्यूशन के चक्कर में, याद है? यस और नो? तो दिल्ली में तो लगा था, पर अदर स्टेट्स में कई जगह लगा और कई जगह नहीं लगा, ऐसा होता है या नहीं होता? यानी कुछ कानून तो स्टेट वाइज भी तो होते हैं। अच्छा अब स्कूल की छुट्टियां, अब आप अगर आपकी फैमिली में कोई छोटे छोटे बच्चे थे, अब तो आप बड़े हो गए, ठीक है ना। पहले आप थे छोटे छोटे बच्चे, जब स्कूल वगैरह जाते थे दबे दबे पांव से, हौले हौले जिंदगी, याद आ रहा आपको? तो अब लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो बताओ, स्कूल की छुट्टियां जब ये अभी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो स्कूल गोइंग है तो मेरे को पता है, सुनना जरा। हमारे यहाँ पर मतलब 2 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, या 2 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, ऐसे कुछ हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद, स्कूल्स ऑफ हो गए थे बच्चों के, सिर्फ ऑनलाइन क्लास होगी, छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल। लेकिन हमारी स्टेट में हुआ था, हरियाणा में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो यानी कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो पूरे देश पे लगते हैं, उन्हें हम सेंट्रल लॉज कहते हैं, और कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो स्टेट वाइज होते हैं, समझ आ रहा है आपको। और कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर बनाते हैं, समझ आ रहा है आपको। तो उन्हें उनकी लिस्ट का नाम होता है कॉन्करेंट लिस्ट। बोलना पड़ेगा उनकी लिस्ट का नाम होता है बेटा क्या? यानी हमारे देश में कितनी लिस्ट है? तीन तरह की लिस्ट है जिसमें बता रखा है कि कौन से मैटर पर कौन कानून बनाएगा, कौन से मैटर पर कौन कानून बनाएगा, कौन से मैटर पर कौन कानून बनाएगा। हमारे देश में यह बता रखा है। मैं आपको एक नंबर याद कराऊंगा, 976647। एक बार बोलना बेटा नंबर, बोलना क्या? एक बार फिर बोलो क्या? 976647। यानी 97 मैटर्स कह लो, और लॉ की लैंग्वेज में एंट्रीज कह लो, लॉ की लैंग्वेज में आप इसे क्या कह सकते हैं? आवाज में दब नहीं, लॉ की लैंग्वेज में आप इसे क्या कह सकते हैं? एंट्रीज। हम वैसे आम जिंदगी में कह सकते हैं सब्जेक्ट्स या मैटर्स। यानी 97 मैटर्स ऐसे हैं जिसमें कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल लॉ होगा। तो सेंट्रल लॉ हमेशा किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में। किसके हाथ में है बेटा? और 66 मैटर्स ऐसे हैं जो स्टेट को दे दिए गए, तुम देख लो अपने अपनी स्टेट के हिसाब से कानून बना लो। तो उनके लिए क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? स्टेट लेजिस्लेचर। बोलना पड़ेगा क्या आ जाएगा? आवाज में दम नहीं, क्या आ जाएगा? यानी जो यूनियन लिस्ट पर मैटर्स हैं, जो यूनियन लिस्ट में मैटर्स हैं, बोलना पड़ेगा जो यूनियन लिस्ट में मैटर्स हैं, उन पर कानून बनाएगी पार्लियामेंट। और जो स्टेट लिस्ट में मैटर्स हैं बेटा, उन पर कानून बनाएंगे कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? और 47 मैटर्स ऐसे हैं, 47 मैटर्स ऐसे हैं जिन पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर
कानून बनाएंगे जिस पर पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर कानून बनाएंगे। अभी मैं सबके एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, अभी मैं सबके एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप सबने फाउंडेशन में कौन कौन से एक्ट पढ़े थे बताना, एक पहला एक्ट कौन सा होता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा, उसके अलावा थर्ड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फोर्थ द एलएलपी एक्ट और फिफ्थ द कंपनीज एक्ट। ये पूरे देश पे लगते हैं या नहीं लगते? आवाज में दमने, क्या ये पूरे देश पे लगते हैं या नहीं लगते? तो अगर ये पूरे देश पे लगते हैं तो इनको यूनियन लिस्ट में क्या करा जाएगा? कवर्ड। तो यानी ये सारे लॉ एक्ट ऑफ, मतलब ये सारे लॉ पार्लियामेंट के थ्रू बने और पार्लियामेंट से पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे जब हम आजाद नहीं हुए थे। कुछ लॉ उसके पहले के भी है ना, याद है आपको? अच्छा, हमारे यहाँ पर 200 साल किन्होंने राज करा? वो गोरे गोरे से छोरे, ये तो 1947 के बाद हमने कहा ना ब्राउन मुंडे इंडियंस, अदरवाइज तो वो गोरे गोरे से छोरे होते थे ना यहाँ पर, जिनका राज चलता था, जो कभी भी आकर कह देते तुम्हारा लगान माफ किया। याद आया आपको? तो मैं वही वाली बात आपसे कर रहा हूं। तो यानी जितने भी लॉ, या आपने इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट करा होगा 1961, वो भी क्या है? सेंट्रल लॉ, क्योंकि ये पूरे देश पे लगता है बेटा। जो लॉ पूरे देश पे लगता है उसको आजकल हम सेंट्रल लॉज कहते हैं, और इनको किसने बनाया? आजादी के बाद पार्लियामेंट ने, जो आजादी के बाद वाले लॉ है, और उससे पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, उनसे अप्रूव्ड होते थे। ठीक है ना? तो बताओ बेटा, पार्लियामेंट के थ्रू जो बनाए गए लॉ है उसका एग्जाम्पल हो गया द कंपनीज एक्ट 2013, द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऐसी कुछ स्टेट लॉज होते हैं जो स्टेट वाइज बनते हैं, ऐसी कुछ स्टेट लॉज होते हैं बेटा जो स्टेट वाइज बनते हैं, जैसे दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी एक्ट, द दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी एक्ट 2022। तो ये स्टेट वाइज वाला लॉ है। ये कौन सा वाला लॉ है बेटा? अपना स्टेट वाइज वाला। बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ ऐसे भी लॉ है जो दोनों मिलकर बनाती है, और मतलब पार्लियामेंट भी हमारे देश की और स्टेट लेजिस्लेचर की। वैसे तो क्या हुआ, सेंट्रल लॉज कौन बनाएगी? पार्लियामेंट, और स्टेट लॉज स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन कुछ ऐसे लॉ हैं जो क्या करते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं, और उनको रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट में। एग्जाम्पल जीएसटी। एक बात बताओ, कभी आप रेस्टोरेंट पर गए? फैब है ना, हाँ। तो आप फैब में मतलब कई बार आना जाना हो जाता है, समझ आ रहा है? तो रेस्टोरेंट पर जब आप जाते हो तो आपका एक बिल जब आता है, ठीक है, जब आप कहते हो पर्स तो भूल ही गया, समझ आया आपको? तो जब बिल आता है तो आप बताओ, बिल के अंदर ना जीएसटी को नीचे स्प्लिट करके बताया होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी इतना सेंट्रल गवर्नमेंट का और इतना स्टेट गवर्नमेंट का। होता ऐसा या नहीं होता? तो वही वाली बात होगी। तो जीएसटी एक्ट 2017 किस लिस्ट में कवर्ड है? कॉन्करेंट लिस्ट में। अच्छा, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, ये भी एक कॉन्करेंट लिस्ट का एग्जांपल हो गया। बोलो, आपको पॉइंट समझ आने स्टार्ट हुए? बोलो यस और नो। अच्छा चलो, मैं अब आपसे पूछना स्टार्ट करता हूँ। आपको सारी बातें अभी तक की याद होनी चाहिए, आपको सारी बातें अभी तक की याद होनी चाहिए। चलो स्टार्ट हो जाओ। पेपर नंबर कौन सा स्टार्ट करा है?
पेपर नंबर टू स्टार्ट करें, नाम कॉर्पोरेट एंड पेपर कैसा आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा और अच्छा अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं आपके साथ, अगर मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात करूं तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो केस स्टडीज या डायरेक्ट क्वेश्चन, और अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो फिर क्या क्या आएंगे बताओ, इंटीग्रेटेड एमसीक्यू और सिंपल एमसीक्यू। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आप सभी को, यस और नो? फिर हमने पढ़ा व्हाट इज लॉ, सुनाना स्टार्ट करो। लॉ रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी। याद हुआ आपको? फिर मैंने बोला कि लॉ तो पता चल गया क्या होता है, रूल्स को कहते हैं लॉ, लॉ का मतलब हो गया रूल्स, कई तरह के रूल्स को ऐड कर दो तो लॉ बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन लॉ बनाने की पावर हमारे देश में दो अथॉरिटीज के पास है, वो बता रहा है आर्टिकल नंबर टू मोटी वाइफ, अच्छा फिर ठीक है, आर्टिकल नंबर 245 हमारे संविधान का कहता है कि हमारे देश में लॉ बनाने वाली दो अथॉरिटीज है, उनमें से फर्स्ट का नाम क्या है पार्लियामेंट और दूसरे का नाम, और कौन मैटर किस पे बनाएगा, कौन किस मैटर पे लॉ बनाएगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है आर्टिकल नंबर 246 रीड विच। और बताओ बेटा उसके अंदर शेड्यूल 7 में कितने तरह की लिस्ट दे रखी है, तीन, कितने, तीन तरह की लिस्ट दे रखी है। पहली लिस्ट का नाम, पहली लिस्ट का नाम यूनियन लिस्ट, वाले सारे मैटर्स पर लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। दूसरी लिस्ट का नाम, उस पर सारे मैटर पर लॉ कौन बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर। और लास्ट उस पर कौन बनाएगी, पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर, समझ आ रहा है। और फिर मैंने आपको एक नंबर याद करवाया था क्या, 976647, सारे बच्चे फिर आने दो क्या, 976647। तो बताओ बेटा सेंट्रल लॉ के एग्जांपल, कंपनी एक्ट 2013 नहीं, अच्छा कंपनी एक्ट कौन सा 2013, और दूसरा बताओ कौन सा हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और जबकि स्टेट लॉस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टेट लॉ की बात करूं तो स्टेट लॉ कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर। तो उसका एक एग्जांपल हमने पढ़ लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी एक्ट 2000 है ना। और जो कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो मिलकर बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल बढ़ गया द जीएसटी एक्ट, और दूसरा, ठीक है ना। तो आपको समझ आने लग गया बातें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, फिर उसके बाद एक बात डिराइव करेंगे उसमें से। बेटा देखो आपके कोर्स में कोर्स कंटेंट की अगर मैं बात करूँ, तो आपका कोर्स भी बेटा दो पार्ट्स में बटा हुआ है, आपका कोर्स भी बच्चे दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तरफ बोला गया है कॉर्पोरेट लॉ, एक तरफ बोला गया है कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी लॉ, और एक तरफ बोला गया है अदर लॉज। अगर मैं आपके साथ कोर्स की बात करूं तो बेटा एक तरफ आपका क्या है कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी लॉ, और दूसरी तरफ अपना क्या है बच्चे अदर लॉज। अब सुनना मेरी बात, आपको पता है कॉर्पोरेट लॉ और एलएलपी लॉ मिलाकर कितने के आएंगे, 70 मार्क्स के। कॉर्पोरेट लॉ और एलएलपी लॉ मिलाकर कितने के आएंगे, 70 मार्क्स के। और जो अदर लॉज हैं वो कितने के आएंगे बेटा, 30 मार्क्स के। सारे बच्चों को बोलना पड़ेगा वो कितने के आएंगे बच्चे, समझ आ रहा है आपको। कोर्स कंटेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी लॉ एंड अदर लॉज। अब सवाल उठता है व्हाट इज कॉर्पोरेट लॉ, बताओ व्हाट इज कॉर्पोरेट लॉ। नहीं नहीं ये तो मतलब रटी रटाई बात होगी ना, कॉर्पोरेट लॉ सोचो बताओ। बिल्कुल सही जवाब है आपका, वो सारे लोग, आपका नाम
दुर्गेश, दुर्गेश के लिए आप सब क्लैपिंग करेंगे, जो क्लैपिंग करे उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। देख रहे हो हमारे बच्चे लालची नहीं है, अभी मैंने प्रूफ करा, इन्होंने आपके लिए क्लैपिंग बनाई है, अपने अटेम्प्ट के लिए नहीं, उनकी इनको कोई परवाह नहीं है बेटे, ठीक है ना। कॉर्पोरेट लॉ का मतलब होता है कंपनीज पर लगने वाले लॉ। तो क्या सर हमें कंपनीज पर लगने वाले सारे लॉस पढ़ने हैं? तो जवाब आया नहीं, उनमें से वन ऑफ द लॉ पढ़ना है, कौन सा? द कंपनीज एक्ट 2013 नहीं, फेब निकलने वाला बेटा, तो ये बस फीलिंग रखी हुई है अभी तक, बाकी वैसे समझ आ रहा है आपको। तो कॉर्पोरेट लॉ का मतलब होता है कंपनीज पर लगने वाले लॉ, लेकिन हमारे कोर्स में कंपनीज पर लगने वाले सारे लॉ। तो हमारे यहां पर क्या है सिर्फ, द कंपनीज एक्ट, वन ऑफ द लॉ पढ़ना है उसमें से, द कंपनीज एक्ट 2013 समझ गया मैं। तो यानी इसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं, द कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना होगा हमें, और साथ में द एलएलपी एक्ट 2008 पढ़ना होगा। समझ आ रहा है आपको? आप ये मानकर चलो कंपनीज एक्ट और एस पर आईसीएआई लगभग उम्मीद है 8 से 12 मार्क्स का ये आएगा, लगभग उम्मीद है। और आप ये मान लो 70 में से 58, ठीक है ना, 58 टू 62 मार्क्स तक का कंपनी सेक्ट आ जाएगा, है ना, लगभग ऐसे ही प्रपोर्शनेट लेकर चलते हैं हम, इसके आसपास ही आएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली 58 का आएगा, 59 का आएगा, बेटा फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा है ना, पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो ये लगभग लगभग इतने इतने मार्क्स के आ जाएंगे। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, कंपनीज एक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, बेटा देखो, कंपनीज एक्ट में देखो आपको ना टोटल 11 चैप्टर पढ़ने हैं। कंपनीज एक्ट में टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने टोटल, ठीक है। चलो मैं आपके साथ बात करता हूं, कंपनी सेक्ट में 11 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। 11 चैप्टर्स का मतलब क्या होता है पहले वो जरा बताता हूं आपको, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको आज एक नॉलेज वाली पहले बात बताता हूं। आपको पता है कंपनी सेक्ट में टोटल 470 सेक्शंस हैं, एक बार चकार लगाओ, कंपनी सेक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं, 470, है ना, ये हो गया कंपनी सेक्ट। जिसके अंदर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 470 है, तो ज्यादातर लोग आपको यही कहेंगे कंपनी एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, पर अगर आप काउंट करने बैठोगे तो ये सेक्शन 484 निकलेंगे। सर क्या बात कर दी आपने, हाँ बेटा मैंने यही बात कर दी, कंपनी एक्ट में सारे यही बोलेंगे कि 470 सेक्शंस है, लेकिन अगर आप काउंट करने बैठोगे तो ये निकलेंगे 484। सर जो लॉ मेकर था क्या मैथ्स ऑनर्स कर रहा था क्या? जिस हिसाब से कैलकुलेशन है होने 470 पैराग्राफ्स होने चाहिए, 470 सेक्शन है, तो फिर 484 कैसे होगी? मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो कुछ कुछ सेक्शंस ना ये देखो, जैसे ये सेक्शन 3 कैपिटल ए हो गया, तो कई बार ना कैपिटल अल्फाबेट भी सेक्शन के पीछे लगाया जाता है, कई बार कैपिटल अल्फाबेट्स भी सेक्शन के पीछे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है उसका मैंने रीजन वैसे फाउंडेशन में आपके साथ डिस्कस करा हुआ है या नहीं करा हुआ है ना, तो अभी जब ये सेक्शन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो यानी दिखने में 470 होगा, तो जो सेक्शन 3 होगा उसके साथ ना सेक्शन 3 ए भी होगा, लेकिन भाई नंबरिंग वाइज तो इसके बाद 3 के बाद क्या आएगी,
थ्री के बाद क्या आएगी फोर, तो ये थ्री ए को ऐसे काउंट नहीं करा गया, लेकिन अगर आप काउंट करने बैठोगे तो वन ऑफ द सेक्शन तो ये भी है ना, तो दिखने में कितने हैं 470 सेक्शन, बोलना पड़ेगा दिखने में कितने हैं 470 सेक्शन है, बोलने के लिए 470 है, लेकिन आप काउंट करने बैठोगे तो क्या होंगे 484। रीजंस कुछ कैपिटल अल्फाबेट्स वाले सेक्शंस भी होते हैं, लेकिन हम तो क्या करेंगे, हाँ आप 470 सेक्शन कह रहे हो, हाँ हम 470 सेक्शन मान लेंगे, पर बेटा देखो हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में थोड़े से टाइम में ही उतरना है। आप ये मान लो कि आफ्टर नवंबर आपके एग्जाम, मतलब लगभग एक साल बाद आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतरना पड़ेगा, ठीक है ना, आपकी पैम्पर्ड लाइफ खत्म हो जाएगी जो आपको हर कोई पूछता है, फिर आपको लोगों को पूछना पड़ेगा, समझ आ रहा है, अपने सीनियर्स को, अपने बॉस को, समझ आ रहा है आपको, अभी तक आपको लोग पूछ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, थोड़े टाइम बाद एक साल बाद आप लोगों को पूछेंगे, क्योंकि आपने उनसे काम सीखना होगा, पॉइंट समझ रहे हैं मेरा, तो वहां पर जब काम सीखना होगा तो आपकी नॉलेज खुद की अगर अच्छी होगी तो सामने वाला आपको बताते हुए भी इंटरेस्टेड होगा, समझ आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिखने में कितने हैं, बोलने में कितने हैं 470, कैलकुलेशन में देखा जाए तो 484। रीजन बिहाइंड कुछ कैपिटल अल्फाबेट्स वाले सेक्शंस भी कोर्स में होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, क्या सर हमें 470 सेक्शंस अपने कोर्स में पढ़ने हैं, तो जवाब आता है ना जी ना। अपने कोर्स में अगर देखा जाए, देखो पूरे कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 470, लेकिन अपने कोर्स में सुनना जरा, पहले हैं सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तक, यानी हमें पूरा कंपनी एक्ट अभी इंटर लेवल पर नहीं पढ़ना, हमें पूरा कंपनी एक्ट इंटर लेवल पर बोलना पड़ेगा, हमें पूरा कंपनी एक्ट इंटर लेवल पर हमें सिर्फ उसके कौन से सेक्शन पढ़ने, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तक और सेक्शन नंबर 379 से 393 तक, और क्या पढ़ने हैं, सेक्शन नंबर 379 से, यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको, तो अपना कोर्स में इवन दो 470 सेक्शंस में से ये सब सेक्शंस हमें पढ़ने हैं। अच्छा मैं अब आपको बताता हूं, पूरे कंपनी लॉ में बेटा, पूरे कंपनी लॉ में एक बार जिकार आन दो, पूरे अगर आप देखोगे, पूरे कंपनी लॉ में अगर आप देखोगे तो बेटा 29 मैटर्स पर बात करी गई है, कितने मैटर्स पर बात करी गई है, मैं आपको थोड़ी सी झलक भी दिखलाता हूं, ये देखो जैसे प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, ऐसा आपको कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को दिख रहा है लेकिन मैं मान रहा हूं, तो ये सब चैप्टर्स है, मतलब ये सब मैटर्स है, जैसे एक हो गया प्रिलिमिनरी, डेफिनेशंस वगैरह इसमें दे रखी हैं, एक उसका चैप्टर है, ठीक है ना, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है, एक प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड चैप्टर है, एक शेयर कैपिटल से रिलेटेड चैप्टर है, एक डिपॉजिट से रिलेटेड चैप्टर है, एक चार्जेस से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है ना, एक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चैप्टर है, अभी आपको लर्न नहीं होंगे लेकिन ओवर द कोर्स आपको अपने आप याद होते जाएंगे ना, जब जब होता है, फिर उसके बाद डिविडेंड का चैप्टर है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी का चैप्टर है, ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर है, सर आपको कैसे याद है, बेटा पैसा बहुत बड़ी चीज है, मैं तो सर हमें भी हो जाएंगे, हाँ क्योंकि पैसा सब कुछ करवा लेता है, याद अपने आप करवा लेगा, पॉइंट समझ आ रहा है आपको, तो ऐसे ही कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं, यानी 29 मैटर्स है, बेसिकली कंपनीज एक्ट में 29 थैले हो गए, समझ आ रहा है, हर थैले में एक एक टैग लगा दिया, हर थैले पर एक एक टैग लगा दिया, प्रिलिमिनरी, समझ आ रहा है, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, फिर हमने ना कंपनी लॉ का पूरा जो हमारे पास जो 470 सेक्शन का ड्रम था, ठीक है ना, उसमें से कुछ सेक्शन, अच्छा तुम प्रिलिमिनरी से रिलेटेड हो, प्रिलिमिनरी वाले थैले में डाल दिया, फिर कुछ निकाले, अच्छा तुम इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो, उस वाले थैले में डाल दिए, तुम प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड वाले सेक्शन हो, यानी हमने सेक्शंस को 29 पार्ट्स में बांट दिया, हमने अपने सेक्शंस को 29 पार्ट्स में बांट दिया। अब अगर मैं बोलूं पूरे कंपनी सेक्ट को अगर आपने देखना है तो मेरे हाथ में कुछ थैले टंगे हुए हैं, बताओ कितने होंगे ये, पक्का दिख रहे हैं क्या, अच्छा 29 में से, 29 में से मैंने क्या करा, 29 में से 11
थैले, थैले समझ रहे हो ना आप, पॉली बैग नहीं, पॉली बैग सब, अच्छा थैले, उन 29 थैलों में से 11 थैले मैंने इंटर के लिए रख लिए, यानी 29 चैप्टर्स में से हम 11 चैप्टर्स कहां पर कवर करेंगे, इंटर में, समझ आ रहा आपको। सर कौन कौन से 29 में से हमने 11 उठाए हैं, बेटा कंपनी सेक्ट के हमारे जो, तो बताओ अगर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं मैं आपके कंपनीज एक्ट में, चैप्टर्स का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शन, ग्रुप ऑफ यानी सिमिलर टॉपिक पर बोलने वाले सेक्शंस को हमने एक ग्रुप बना दिया, और वो जो थैला इकट्ठा करा उसी को ही हम चैप्टर का नाम दे देते हैं। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं, तो पूरे कोर्स में 29 है, लेकिन उनमें से अपने में कौन है 11, हमें सिर्फ 11 चैप्टर पढ़ने हैं। सर 11 कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक, जो कंपनी लॉ के चैप्टर नंबर 1 से लेकर कहां तक है 10 तक, एक तो वो पढ़ने हैं, और एक चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 22 बाई बाई कैंदी दुनिया, चैप्टर नंबर 22 एक ये चैप्टर भी ऐड करा गया। क्यों करा गया, अभी थोड़ी सी देर में इसको स्प्राइट कर दूंगा, स्प्राइट मतलब, तो एक हमें पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 ऑफ द कंपनी सेक्ट, और साथ में हमें पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 22, समझ आ रहा है आपको, है ना। चलो आगे बात करते हैं, एलएलपी एक्ट तो आपको पढ़ना होगा, सर हमने तो सीए फाउंडेशन से ही कर आए हुए हैं, हमें तो कुछ नया तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। यस बेटा नया पढ़ना पड़ेगा, नया आपको पढ़ना पड़ेगा। सर थोड़ी सी झलक दिखला जा, ये देखो कुछ टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े। एग्जाम्पल के तौर पर सेक्शन 8 लाइबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपने नहीं पढ़ी हुई, सेक्शन 9 चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ी हुई, सेक्शन 10 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7 और 9 आपने नहीं पढ़ी हुई, उसके अलावा अभी रुको तो अभी सबर करो, उसके अलावा सेक्शन 32 कॉन्ट्रीब्यूशन 36, 37, 38, 39, 42, यानी देख रहे हो आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि कई बच्चे कहीं आ जाए रिसेप्शन पे, हमारे एलएलपी वाली फीस माइनस कर दो मैं पहले दिन ही क्लियर करके चलूं बेटा। उसके अलावा ये देखो सेक्शन 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया, आप समझ रहे हैं, ये सब चीजें आपके कोर्स में ऐड हुई हैं एलएलपी में, पुराने वाला एलएलपी है लेकिन मैंने आपको दिखा दिए काफी सारे सेक्शंस आपके कोर्स में ऐड हुए हैं, जिसके लिए मुझे 3 से 4 क्लासेस लगेंगी। तो कोई भी बच्चा एलएलपी की फीस वापस नहीं लेगा बेटा, देखो पैसे कमाने आए हैं, पॉइंट समझ आ रहा है, यस और नो। अच्छा जी, तो एलएलपी एक्ट समझ आ गया आपको, बहुत बढ़िया। तो हमें कंपनी सेक्ट पूरा पढ़ना है क्या, आवाज में दम नहीं, क्या हमें कंपनी सेक्ट पूरा पढ़ना है क्या, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तक प्लस सेक्शन नंबर 379 से लेकर, समझ आ रहा है आपको। तो अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर देखे जाए तो कौन सी है, 29 में से हमें 11 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। सर अदर लॉज में हमें क्या पढ़ना होगा, सर अदर लॉज में हमें क्या पढ़ना होगा बताना जरा बेटा, अदर लॉ का, अच्छा ये 12 चैप्टर तो एलएलपी हो गया ना, 13th नंबर का चैप्टर जो आएगा, 13th नंबर का जो अपना चैप्टर आएगा द जनरल क्लॉजेस एक्ट, यानी चैप्टर नंबर 13 अपना होगा द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, यानी हमें कंपनी सेक्ट
हमें कंपनीज एक्ट भी पढ़ना होगा, हमें जनरल क्लॉजेस एक्ट भी पढ़ना होगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 13 अपना कौन सा होगा? द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। सारे बच्चे बोलेंगे द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। और चैप्टर नंबर 14 होगा द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। याद करो फाउंडेशन की क्लासेस, कई बारी तुम्हारे को इंटर की बातें दिखाता था, इस रूल की वजह से ये हो रहा है। एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने इंटरप्रिटेशन की कई बातें बताई हुई थी आपको, रूल्स। तो यानी लॉ को पढ़ने के रूल्स भी हमें सिखाएगा आईसीएआई, कि लॉ पढ़ी कैसे जाती है, पढ़ाई कैसे जाती है वो नहीं सीखना, मेरे कॉम्पिटिटर नहीं बनना, लेकिन पढ़ी कैसे जाती है वो आपको सिखा देंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, यानी लॉ पढ़ी कैसे जाती है वो हमें सीखना है। और लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर कौन सा 15, ये होगा अपना द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, यानी फेमा 1999। थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ बात करी थी कि यार इंस्टीट्यूट ने 10 चैप्टर सीक्वेंस में दे दिया और एक चैप्टर अलग से उठाकर दे दिया, क्यों भाई? चैप्टर नंबर 22 क्यों दे दिया? ये देखो, चैप्टर नंबर 22 का नाम है कौन सा, इधर से उठाते हैं। चैप्टर नंबर 22 जो कंपनी एक्ट का, उसका नाम क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, यानी जो कंपनीज बाहर रजिस्टर्ड होती हैं, जो कंपनीज बाहर रजिस्टर्ड होती हैं, समझ आ रहा है आपको? उनसे रिलेटेड आपके कोर्स में क्यों डाला गया? क्योंकि आपको आईसीआई क्या चाहता है, क्या भी पढ़ना, फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग कब होती है? जब एक बंदा इंडिया का होता है और एक बंदा बाहर का होता है, समझ आ रहा है आपको? तो बाहर के देशों से भी, मतलब समझ रहे हो आप, उनसे डीलिंग वीलिंग वाले, उन फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन को बेटर समझाने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उन कंपनीज के बारे में भी जो कहां पर इनकॉर्पोरेट होती है, आउटसाइड इंडिया। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो इस चैप्टर को अलग से क्यों डाला गया? ताकि आपको फेमा समझ आए। और फेमा को क्यों डाला गया? ताकि आपको यह समझ आए। कुछ समझ आना स्टार्ट हुआ? बोलो यस और नो। नोटिंग डन है यहां तक की? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात करता हूं। हमारे पेपर का नाम क्या है? पक्का? यानी इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, आप क्या पढ़ो? लॉ पढ़ो। लेकिन बताओ कोर्स में क्या बोला गया है? कंपनी एक्ट पढ़ो, एलएलपी एक्ट पढ़ो, जीसीए पढ़ो यानी जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ो, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ो। पढ़ने के लिए एक्ट दे रहा है, सब्जेक्ट का नाम लॉ रखा गया है, पढ़ने के लिए क्या दे रहा है? एक्ट। समझा रहा है आपको? और सब्जेक्ट का नाम लॉ रख रहा है, तो सब्जेक्ट का नाम तो यही होना चाहिए ना, कॉर्पोरेट एंड अदर एक्ट। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ क्यों रख दिया? क्योंकि बेटा लॉ एक वाइडर टर्म है, लॉ में कितनी चीजें आ जाती हैं? नहीं, 8। उस समय आप बच्चे थे तो 6 बताते थे, अब आपको सारी बातें बताएंगे। तो यहां पर लॉ एक वाइडर टर्म है, और लॉ की एक इक्वेशन बनाओ आप सब। उस समय आप छोटे उस्ताद थे ना, लिटिल चैंप्स, अब आप कॉम्प्लेन बॉय बड़े हो गए हो। तो अगर मैं लॉ की बात आपके साथ करूं, तो लॉ को हम कितने पार्ट्स में बांटेंगे? 8। पहले पार्ट का नाम है एक्ट, दूसरे पार्ट का नाम है रूल्स। बोला पड़ेगा, पहले पार्ट का नाम है एक्ट, दूसरे पार्ट का नाम है रूल्स, तीसरे पार्ट का नाम है रेगुलेशंस, फोर्थ पार्ट का नाम है बायलॉज, फिफ्थ पार्ट का नाम है ऑर्डिनेंस,
सिक्स पार्ट का नाम है ऑर्डर, सेवन पार्ट का नाम है नोटिफिकेशंस, और अगले पार्ट का नाम है सर्कुलर्स। यानी लॉ की एक इक्वेशन है जिसमें आठ चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना, एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशन प्लस बायलॉज प्लस ऑर्डिनेंस प्लस ऑर्डर प्लस नोटिफिकेशन और प्लस, ठीक है ना। तो लॉ को वाइडर सेंस में समझेंगे हम, लॉ को हम वाइडर सेंस में समझेंगे बेटा। देखो यानी सीधी सी बात क्लियर हो गई है, लॉ इज वाइडर देन द एक्ट, लॉ इज वाइडर देन द एक्ट, समझ आ रहा है आपको। देखो मैं अब आपको बताता हूं, हम सबसे पहले एक कंपोनेंट उठाते हैं जिसका नाम क्या है, एक्ट। सबसे पहले हम एक फर्स्ट कंपोनेंट उठाते हैं, हम आठों कंपोनेंट समझ जाएंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि लॉ क्या है, और सारे कंपोनेंट्स आपके कोर्स में यूज होंगे, मैं साथ साथ सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाता जाऊंगा, समझ आ रहा है आपको। तो एक भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो आपके कोर्स का पार्ट ना हो, और इस पर कई बार मैं कंपोनेंट्स में से ही आज की क्लास में ही, अगर कंपोनेंट्स में हम वहां तक पहुंच गए तो मैं आपको दिखा दूंगा आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, समझ आ रहा है आपको। स्टार्ट करें कहानी, चलो सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट का नाम है बेटा एक्ट। सारे बच्चे बोलेंगे फर्स्ट कंपोनेंट का नाम है बेटा एक्ट की बात करते हैं। देखो जी एक्ट का मतलब होता है रूल्स मेड बाय द पार्लियामेंट, एक्ट का मतलब होता है रूल्स, एक्ट का मतलब क्या होता है रूल्स, बोलना पड़ेगा एक्ट का मतलब क्या होता है, आवाज में दम नहीं है, एक्ट का मतलब क्या होता है, समझ आ रहा है आपको। ठीक है जी बात करते हैं एक्ट का मतलब रूल्स होता है। तो देखो जी मान लेते हैं किसी भी कंट्री में किसी भी मैटर पर प्रॉब्लम आई है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी से रिलेटेड बड़े फ्रॉड चल रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड बड़े फ्रॉड चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उसकी रेलेवेंट मिनिस्ट्री को कहेगी कि यार इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन रेडी करो, इस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है उससे रिलेटेड तुम कुछ रूल्स बनाकर दो। तो बताओ कंट्री में जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी, जैसे कंपनी से रिलेटेड होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, मैं पूरी वेबसाइट आपको समझाऊंगा इसकी ओवर द कोर्स, MCA की वेबसाइट में आपको बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि बेटा नेक्स्ट ईयर आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतरना है, तो आप सब थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर भी चलेंगे मेरे साथ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो आपके लर्न भी हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी प्रैक्टिकल बातें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, हर बार ही जाते हैं स्टूडेंट, तो मेरे से कंसल्ट करते रहते हैं कि प्रैक्टिकल में ये आ रहा है तो अब इसको क्या होगा, तो आप सब कंप्लायंसेस की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि आप सब में से चाहे आप ऑडिट वाला काम करेंगे या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे ये सब चीजें आपके काम आएंगी, तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर भी हम चलेंगे। तो जरा सुनना, जैसे किसी भी कंट्री में किसी भी मैटर पर क्या आई है प्रॉब्लम, कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, लेट सपोज, समझ आ रहा है आपको, क्योंकि हमने कंपनी से एक्ट पढ़ना है तो उससे रिलेटेड ही बात कर लेते हैं, तो कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी तो उसकी रेलेवेंट मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसको कहा जाएगा कि यार कुछ रूल्स बनाओ ताकि इस प्रॉब्लम को दूर करा जा सके। तो उस मिनिस्ट्री में बेटा IAS ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जो लॉ लिखते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी, ये सब दिखते आ रही हैं, और वो IAS ऑफिसर्स उन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या करेंगे, रूल्स तैयार करेंगे, और जो IAS ऑफिसर्स ने इन मैटर से रिलेटेड रूल्स तैयार करे उनको हम कहते हैं, उन्होंने तैयार करा है प्रपोज्ड ड्राफ्ट, जयकार लगाओ, क्या करा है,
आवाज में दम नहीं है, क्या करा है? जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, क्या? ठीक है ना। अच्छा, आप प्रपोज्ड ड्राफ्ट भी इसे कह सकते हैं और आप इसे बिल भी कह सकते हैं। आप इसे प्रपोज्ड ड्राफ्ट भी कह सकते हैं और आप इसे बिल भी कह सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है, मिनिस्ट्री एक बिल बनाती है। मिनिस्ट्री एक क्या बनाती है? बिल। आपने ये बात ना फाउंडेशन लेवल पर पढ़ी भी हुई है। मैं आपको दिखाता हूं फाउंडेशन में। चलो यहां देखे, चलो यहां आ जाओ। देखो सबसे पहले एलएलपी एक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 जनवरी 2007 को बताओ नोटिफाइड कर दिया था एलएलपी बिल को कि हमारी तरफ से भाई बिल बन गया, हमारी तरफ से ये तैयार है, देश में लगा दो। तो क्या सिर्फ मिनिस्ट्री के बना लेने से और नोटिफाई कर लेने से क्या वो हमारे देश में एप्लीकेबल हो जाएगा? आवाज में दम नहीं है, यस या नो? नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये प्रपोज ड्राफ्ट और बिल हम लेकर जाएंगे कहां पर? पार्लियामेंट में। हम लेकर जाएंगे क्या? पार्लियामेंट में। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और एक बात आपके साथ करते हैं, पार्लियामेंट में सबसे पहले जाएंगे कहां पर? लोअर हाउस। और लोअर हाउस कौन सा होता है? आवाज में दम नहीं है, कौन सा होता है? अच्छा, लोकसभा को एक और नाम से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल। वेरी गुड। किस नाम से? हाउस ऑफ पीपल। सारे बच्चे बोलेंगे किस नाम से? आवाज में दम नहीं है, किस नाम से? तो यानी सबसे पहले हम ये बिल लेकर जाएंगे लोअर हाउस में। अच्छा सर, हम सेंट्रल लॉ पढ़ रहे हैं तो अभी आप पार्लियामेंट के हिसाब से ही समझा रहे हो ना? यस, हमारे कोर्स में सेंट्रल लॉ है तो मैं पार्लियामेंट के हिसाब से ही आपको समझा रहा हूं। तो बताओ पार्लियामेंट का लोअर हाउस कौन सा होता है? लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल। और वहां पर जो लोग बैठे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एमपीस। जयकार लगाओ, क्या कहते हैं हम? एमपीस बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपीस बोले तो, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, एमपीस बोले तो वो बैठे होते हैं और उनके साथ, उनके सामने हम रखते हैं ये बिल, उनके सामने रखते हैं ये बिल। मिनिस्ट्री उसको जाकर कहती है हाय मेरा बिल, हाय मेरा बिल। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और बताओ सारे मिनिस्टर एक दूसरे को उठाकर क्या कहते हैं? चक लो, मतलब वो बिल को चक लो, पढ़ लो और उसके हिसाब से वोटिंग करो। तो हम सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कहते हैं तू हाँ कर, है ना? या तो वो हाँ करेंगे या ना करेंगे। तो यहां पर वही है, लोअर हाउस लोकसभा में जो एमपीस बैठेंगे उनके सामने ये बिल रखा जाएगा कि हम अपने देश में इसको एप्लीकेबल करवाना चाहते हैं, क्योंकि दिल चाहता है किनका? मिनिस्ट्रीज का। समझा रहा आपको? तो बताओ बेटा, अगर मान लेते हैं वहां पर ये पास हो गया, सबने कहा हाँ जी हाँ जी हमारे देश में ये एप्लीकेबल होना चाहिए, फिर बताओ बेटा लोअर हाउस के बाद पास होने के बाद अपर हाउस, अपर हाउस आजकल कौन सा होता है? अच्छा, राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो उसको हम कहते हैं क्या? हाउस ऑफ स्टेट। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? हाउस ऑफ स्टेट। यहां पर भी कौन बैठते हैं? एमपीसी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बैठते हैं। सर जो हमारे एरिया के एमएलए वगैरह होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं, वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। समझ आ रहा है? तो पार्लियामेंट में तो जो लोग बैठते हैं उन्हें एमपीसी कहा जाता है। समझ आ रहा है? सर जो हमारे यहां पर बोलते हैं चाचा विधायक हैं, ठीक है, उनका क्या होता है? वो स्टेट लेवल के होते हैं, उनको स्टेट लेवल पर बात करेंगे। पर यहां तक समझ आ गया? अब लेट सपोज इन एमपीस के सामने भी उस प्रॉब्लम का प्रपोज ड्राफ्ट यानी बिल पेश, बिल पेश, आवाज में दम नहीं है, बिल पेश, समझ आ गया? और लेट सपोज ये बिल जो है यहां पर भी पास हो गया, लेकिन हम अभी भी इसे अपने देश पर एप्लीकेबल नहीं करवा सकते जब तक प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ कौन, अपनी इसके ऊपर क्या नहीं दे देते, असेंट, सहमति नहीं दे देते। तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने कई बारी ये बिल रखकर बोलेंगे ऑटोग्राफ प्लीज। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो वो तो उनकी मर्जी है ना, ठीक है ना, वो इसको असेंट देते हैं या नहीं। मान लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने आपने ये बिल रखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं ना जी ना, ये हम नहीं पास करेंगे, मतलब उन्होंने पास करने से क्या कर दिया, मना। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल की क्या कर दी, रिजेक्शन। आप बताओ, आप बताओ, आपको कोई रिजेक्ट करता है, आपके मन में एक सवाल क्या उठता है? हाय थोड़े से इमोशनल हो गए, नहीं बेटे कहीं इमोशनल नहीं, वापिस आओ, वापिस आओ। मैं आपसे बात जो कर रहा हूं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो आपके मन में क्या आएगा? अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो आपके मन में क्या आता है? कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, रीजन तो बता दे क्यों करा। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे ही हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमने हाय मेरा बिल, हाय मेरा बिल रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वाई दिस कोला वेरिडी, क्यों, रीजन तो बताओ। तो ये रिजेक्शन के साथ साथ क्या भी देंगे, रीजन, कि आपके जो बिल था ना उसमें यहां यहां पर कमी थी, किस विटामिन की, कौन सी कमी थी, मतलब आपके बिल में यहां यहां के प्रोविजन थोड़े से लीनियंट थे, स्ट्रिंजेंट होने चाहिए थे, वो सारे कुछ बताएंगे। तो अब दोबारा से ये बिल कहां पर जाएगा, लोकसभा में, लेकिन सेम जाएगा या मॉडिफाइड फॉर्म में जाएगा, हाँ मॉडिफाइड बिल जाएगा। अब दोबारा से मॉडिफाइड बिल, समझ आ रहा है आपको? अब ये मॉडिफाइड बिल दोबारा किसमें आएगा, लोकसभा, वहां पास हो जाए, फिर कहां आएगा, फिर अगर वो वहां पर क्या हो गया पास, देन वो कहां आएगा, समझ आ रहा है आपको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने रखकर क्या कहेंगे, आ लचक, है ना। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहा है मैं अभी भी रिजेक्ट कर रहा हूं, तो लॉ कहता है अब अलाउड, आप रिजेक्शन कर सकते हो ओनली वन टाइम, हर बारी रिजेक्ट थोड़ा करते रहोगे, हमारा भी कोई नहीं इमोशन, हर टाइम थोड़ा हमारे बिल को रिजेक्ट कर देंगे, वन टाइम रिजेक्शन पावर है। और आपने बोला था ये सब चेंजेस कर लो, ये सब चेंजेस हमने करके फिर दोबारा पास करवा लिया, यानी इस बिल को हमने कहा चला तेरे को घुमा के लाए हैं, वापिस घूम कर आ गया। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? प्रेसिडेंट से वापिस घुमाकर फिर कहां से ले आए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और अब तो अब इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस बिल को साइन करना ही होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली असेंट दे दी, सहमति दे दी। तो जैसी ही सहमति दे दी, सुनने वाली बात यहां पर क्या है, जैसी आपने क्या दे दी, सहमति, आवाज में दम नहीं, जैसी आपने क्या दे दी, तो सहमति देते ही जिसको आप अभी तक बिल कह रहे थे, अब हम उसे क्या कहेंगे, आवाज में दम नहीं, अब हम उसे क्या कहेंगे, एक्ट कहेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो? गुड। तो ये बिल आज एक्ट हो चुका है। अब जैसे ही ये एक्ट हो गया, इसके अगेंस्ट में आएगी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट को हम OZB कहते हैं। अब सबसे पहला तो सवाल यही उठता है, व्हाट इज ऑफिशियल गैजेट? हाँ जी बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। न्यूज़पेपर कह लो, मैगजीन कह लो, या जर्नल कह लो, ऑफ द आओ जरा थोड़ा सा अब आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, अब तो आप बड़े हो गए, अब आपके साथ बहुत बातें कर सकते हैं हम। देखो हम ना जब जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ेंगे, हम जब जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑफिशियल गैजेट की,
ये देखो, जब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जल्दी बताओ, आवाज में दम नहीं, जब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर ना एक डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी, ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट क्या होते हैं बताओ, पब्लिक जर्नल और ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स। मतलब इसके थ्रू, जैसे मैं आपको बताता हूं, मुझे आपसे बात करनी है या आपको किसी से बात करनी है, तो आप ये सॉन्ग गा सकते हैं, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, लेकिन ये गाना गवर्नमेंट गा सकती है? गवर्नमेंट कह सकती है 140 करोड़ लोगों को अख नाल अख नु मिला, बताओ गवर्नमेंट कह सकती है? हाँ जी, यस और नो? तो गवर्नमेंट कह रही है, मैं एक एक बंदे को तो कान में आके बताया नहीं, नया लॉ आ रहा है, नया लॉ आ रहा है, ओए तू भी सुन, नया, गवर्नमेंट कह रही है ये मेरे लिए मुश्किल है यार, मैं ऐसे नहीं कर सकती, ये काम मेरे लिए ए दिल है मुश्किल। तो गवर्नमेंट कहती है हम क्या करते हैं, भारत का राजपत्र बना देते हैं। राजपत्र मीन्स ऑफिशियल गैजेट, उसमें एक बात छाप देंगे, हम ये मान लेंगे कि सबको पता है, हम ये मान लेंगे कि ये बात अब सबको पता है, अब हमें एक एक बंदे को बताने की जरूरत नहीं, हमें एक एक बंदे को बताने की जरूरत नहीं। तो ऑफिशियल गैजेट समझ आ गया, ऑफिशियल गैजेट गवर्नमेंट का एक न्यूज़पेपर मान लो, मैगजीन मान लो, जर्नल मान लो, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने दिल दिया गल्ला कम्युनिकेट करती है टू द जनता। समझ आ रहा है आपको? और ये दो लेवल के होते हैं, हेलो, ये कितने लेवल के होते हैं, दो लेवल के। एक तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसका नाम है गैजेट ऑफ इंडिया, द गैजेट ऑफ इंडिया, और एक अपना है बेटा द ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने दिल दिया गल्ला करनी है तो गैजेट ऑफ इंडिया के थ्रू करेगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को करनी है तो ऑफिशियल गैजेट ऑफ अ स्टेट। हेलो, कुछ समझ आ रहा है, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो जरा सुनना, तो गैजेट, ऑफिशियल गैजेट का मतलब हो गया पब्लिक जर्नल एंड ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, आप में से कोई ईस्ट दिल्ली से है? जमुना पारी सब पर भारी, आप और आप, ठीक है, मेरी लाइफ में भी एक जमुना पारी है वो एक्चुअल में नहीं भारी, पर आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तभी मैंने टीचिंग प्रोफेशन ऑप्ट करा, कहीं तो बोल पाऊं, समझ आ रहा आपको, घर नहीं तो कहीं बाहर, ठीक है। अब जरा सुनना, मैंने क्यों पूछा ईस्ट दिल्ली, तो अगर आप ईस्ट दिल्ली जाते हो तो आप आईटीओ का मिंटो ब्रिज वाली रोड पे भी जाते हो, मिंटो रोड है एक, मिंटो रोड पर आप जाओगे ना, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर आपको ये दिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये छापते हैं ऑफिशियल गैजेट। और छपते बताऊं क्या है, कोई वेस्ट दिल्ली से है मेरे अलावा? अरे वाह, मायापुरी देखा, मायापुरी गवर्नमेंट प्रेस सुनिए, सुनिए ना, वो है, उनसे छपवा कर ये छपवाते, मतलब वो प्रिंटिंग प्रेस है गवर्नमेंट की, अगर आपने सुनी हो तो, सुना है ना आपने मायापुरी? अरे सिर्फ रील में कुलचे ही देखे हैं क्या वहां के, और भी चीजें हैं भाई, हेलो, है ना। तुम, आपको पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपने अगर कभी मन हो तो बार बार से देख कर आ सकते हैं, अंदर जाओगे तो चल रही चल साइड में हो जाएगी, यहाँ जा रहे हैं ऐसे वाली फीलिंग आएगी, बाकी देखो आपकी मर्जी है। तो दो तरह के गैजेट हैं, कौन कौन से, गैजेट ऑफ इंडिया और दूसरा क्या, ऑफिशियल गैजेट ऑफ अ स्टेट, समझ आ रहा है। तो गवर्नमेंट उसमें नोटिफाई कर देगी कि यार ये वाला कानून आ चुका है। अब सवाल उठता है इस एक्ट की कमेंसमेंट कब से होगी, सवाल उठता है इस एक्ट की कमेंसमेंट कब से होगी, यानी ये एक्ट हमारे देश में लागू कब से होगा, ये एक्ट हमारे देश में लागू, लागू में बड़ा हो छोटा हो, कई कह रहे हमें भी नहीं आता, सही लिखे हैं, लागू कब से होगा, ये एक्ट लागू कब से होगा, उसको कहते हैं कमेंसमेंट। कमेंसमेंट भी कह सकते हो, कमिंग इनटू ऑपरेशन भी कह सकते हो, या कमिंग इनटू फोर्स, कुछ भी कह सकते हो,
सर मतलब कुछ भी नहीं, वो वाला कुछ भी नहीं, ये वाला कुछ भी, मतलब कमिंग इनटू ऑपरेशन, कमिंग इनटू फोर्स, एंट्री इनटू फोर्स, कई नाम दिखेंगे आपको पढ़ते वक्त अपने कोर्स में, एंट्री इनटू फोर्स, एंट्री इनटू ऑपरेशन इक्को ही गल है, और इन शॉर्ट, इन शॉर्ट लागू कब से होगा, सबसे छोटा वर्ड कमेंसमेंट, सबसे छोटा वर्ड कमेंसमेंट, समझ आ रहा है आपको? कह रहे कोई भी एक्ट हमारे देश में लागू कब से होगा ये डिपेंड करता है, क्या इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ आया है कि डेट एप्लीकेबल कब से है, यानी क्या नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन में डेट ऑफ कमेंसमेंट स्पेसिफाइड है, डेट ऑफ कमेंसमेंट स्पेसिफाइड, या फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट नॉट स्पेसिफाइड, अच्छा अगर आपने डेट बताई है ये एक्ट तब से एप्लीकेबल होगा, बोलना पड़ेगा, अगर आपने ये डेट बताई है कि ये एक्ट तब से एप्लीकेबल होगा तो बताओ बेटा कमेंसमेंट कब से होगी, आवाज में दम नहीं है, कमेंसमेंट कब से होगी, फ्रॉम दैट स्पेसिफाइड डेट, आपने बता दिया ये एक्ट तब से एप्लीकेबल होगा, ये एक्ट तब से एप्लीकेबल होगा, तो बताओ बेटा एक्ट की कमेंसमेंट कब से होगी, फ्रॉम सच स्पेसिफाइड डेट, लेकिन अब बताओ अगर आपने कोई डेट नहीं बताई, बोलना पड़ेगा अगर आपने कोई डेट, देन इस एक्ट की कमेंसमेंट कब से होगी, जल्दी बताओ, विद इफेक्ट फ्रॉम असेंट डेट, यानी जिस दिन आपने सहमति दी है, विद इफेक्ट फ्रॉम असेंट डेट, यानी जब से आपने प्रेसिडेंट ने इस पे ऑटोग्राफ करे हैं, आओ जरा आपके एग्जाम का क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाते हैं, पहले आप जरा ये मुझे सारी बातें सुना दो, फिर आपसे आपके एग्जाम का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, आपने सबने यहां तक नोटिंग कर ली है, अच्छा बेटा मेरे बात ना, मैं भी टॉपिक पे और क्वेश्चन पे जाने से पहले बात अब तक कर लूँ, मेरे बात ना आपकी अकाउंट्स की क्लास है, ठीक है, तो अकाउंट्स के भी बहुत अच्छे फैकल्टी हैं सी अमित सर, आप जरूर उनकी क्लास अटेंड करो, ठीक है ना, आपको खुद डिफरेंस फील हो जाएगा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लास्ट 13 ईयर से मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने मेरे साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, तो आप सब एक बारी क्लास अटेंड करो, आपको खुद को डिफरेंस पता चल जाएगा कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप मेरी क्लास के बाद 3 o'clock उनकी क्लास होगी तो आप एक बारी अटेंड कर लेना, ठीक है ना, अच्छा अब आगे बात करते हैं, और मैं एक बारी पूरी स्टोरी सुन लूं आपसे, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं आपके एग्जाम का, है ना, आप सब मेरी बात सुनो, एक बार स्टार्ट हो जाओ, बिना देखे बोलना है, अगर देख के बोला तो फिर क्लास में आने का फायदा ही नहीं है, ये सब आप फाउंडेशन वाले जानते ही हैं, बिना देखे बोलने का जो फायदा वो अलग ही है, बताओ बेटा पेपर नंबर, मजे नहीं आया, पेपर नंबर, ठीक है ना, अच्छा पेपर नंबर 2 का नाम क्या है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ठीक है ना, ओवरऑल में कितने मार्क्स का है, 100 में से सब्जेक्टिव कितना है, और ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना, ऑब्जेक्टिव पार्ट 30 है हमारा, है ना, फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज लॉ, लॉ क्या होता है, लॉ का मतलब वो सारे रूल्स विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एंड मेंटेन द, समझ आ रहे हैं, और हमारे देश में लॉ बनाने वाली अथॉरिटीज कौन है ये बताइए, संविधान के आर्टिकल नंबर, संविधान के आर्टिकल नंबर उन्होंने बताई है, ठीक है ना, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज के बारे में, तो अपनी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कौन कौन सी है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, हमने कहा तुम लोग जो है लॉ बनाना, एक्चुअल में लॉ पार्लियामेंट बनाती नहीं है, पार्लियामेंट अप्रूव्ड करती है, बनाया, अच्छा आप देखो ये एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है, देखो करता कोई है, नाम किसी और का चलता है, बनाया तो IAS ऑफिसर ने है ना, लिखा तो उन्होंने ही है ना, बनाने का मतलब यहां पर अप्रूव्ड है, अब आप एक, चलो कोई नहीं छोड़ो, तो बताओ
लॉ मेकिंग अथॉरिटीज अपनी कौन कौन थी? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. वेरी गुड. अब आर्टिकल नंबर कौन सा? 246 रेड विथ शेड्यूल. उसने क्या बताई? कितनी लिस्ट बनाई? जिसमें क्या बताया कौन से मैटर पर कौन लॉ बनाएगा. फर्स्ट लिस्ट का नाम, सेकंड लिस्ट का नाम, थर्ड लिस्ट का नाम. यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स होंगे उनके ऊपर कानून बनाएगी पार्लियामेंट, क्योंकि वो बनेंगे पूरे देश के लिए. अच्छा, स्टेट लिस्ट में स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर. एक नंबर याद कराया था क्या? नंबर लिख 97, ठीक है ना, 97647. यानी 97 एंट्रीज ऐसी हैं, 97 एंट्रीज ऐसी हैं जिस पर लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट. और 66 ऐसी हैं जो स्टेट, और 47 ऐसे हैं जिस पर ये दोनों मिलकर बनाएंगे. फिर बताओ, हमारे कोर्स कंटेंट की बात अगर हम करें, कोर्स कंटेंट की बात जरा हम करें, तो कोर्स भी 70-30 में ही बटा हुआ है. एक तरफ है कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी लॉ. लेकिन कॉर्पोरेट लॉ का मतलब तो ये होता है कंपनी पर लगने वाले सारे लॉज, लेकिन उनमें से हमें वन ऑफ द लॉ पढ़ना है, और वो भी पूरा नहीं. शुक्र है प्रभु का, एक लॉ पढ़ना है वो भी पूरा नहीं. बताओ, इससे ज्यादा कृपा क्या चाहिए आपको? ठीक है ना, प्रभु की आपके ऊपर भरपूर कृपा है. ठीक है ना, तो बताओ, लगभग कंपनी सेक्ट पढ़ना है, लेकिन कंपनी सेक्ट में तो टोटल 470 सेक्शंस है. कंपनी लॉ में तो टोटल कितने सेक्शंस है? 470. क्या हमें 470 पढ़ने हैं? नहीं. सेक्शन नंबर कहां से कहां तक? 1 से लेकर 148 तक. जितने कितने चैप्टर्स कवर हो जाएंगे? 10. और साथ में सेक्शन नंबर 379 से लेकर 393 तक. दोबारा 379, जो चैप्टर का नाम भी मैं आपको बताया, तो चैप्टर नंबर 22 नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. और कभी भूल मत कर लेना कि फॉरेन कंपनी और ये सेम होती है. वक्त आने पे इनका डिफरेंस बता देंगे. समझ आ रहा है आपको? वक्त आने पे एक डिफरेंस बताएंगे आपको. बंदे को लगता है फॉरेन कंपनी का चैप्टर है, लेकिन फॉरेन कंपनी के कुछ सेक्शन और बाकी कुछ सेक्शन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. वक्त आने पे आपको डिफरेंस बताएंगे इनका. ठीक है ना. अब फिर मैंने बोला हमें 11 चैप्टर्स तो ये पढ़ने, फिर एक एलएलपी एक्ट 2008 पढ़ना, और उसके अलावा अदर लॉज है 30 मार्क्स के, जिसमें तीन पढ़ने, जिसमें पहले का नाम द जनरल क्लॉजेस एक्ट 18, और एक पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ, और लास्ट फेमा ही लेना, ओ सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. पॉइंट समझ आ रहा है आपको? फेमा. फिर मैंने आपको एक बात करी थी, और लॉ वाइडर टर्म है या एक्ट? क्योंकि लॉ के कितने कंपोनेंट्स हैं? लॉ के 8 कंपोनेंट्स है. उनमें से फर्स्ट कंपोनेंट का नाम क्या है? एक्ट. एक्ट का मतलब रूल्स मेड बाय द. लेकिन बताओ बेटा, किसी भी कंट्री में किसी भी मैटर में प्रॉब्लम आती है तो उसकी मिनिस्ट्री को कहा जाता है अपने आईएएस ऑफिसर्स को बिठाओ और इस पर क्या बनवाओ? रूल्स. रूल्स बनवाओगे और वो सारे रूल्स को इकट्ठा करके क्या कहा जाता है? पर पोस्ट ड्राफ्ट या फिर. और ये ड्राफ्ट और बिल लेकर हम कहां पर चलते हैं? लोअर हाउस यानी लोकसभा, यानी हाउस ऑफ पीपल के आगे, और उनके सामने हम पेश करते हैं. ठीक है ना. हम क्या कहते हैं? बिल चीज क्या है? लोकसभा में हमने अपना बिल पेश करा, हाय मेरा बिल. ठीक है ना. और बताओ बेटा, अपर हाउस, लोअर हाउस में पास हो गया, लोअर हाउस के बाद अपर हाउस में भी पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने कहा ऑटोग्राफ प्लीज. अब बताओ बेटा, वो ऑटोग्राफ के लिए हमें हां कर सकते हैं या ना? कितनी बारी कर सकते हैं? कोई हमें ना करे हम क्या जानेंगे? कोई बात नहीं, तूने ना कर दिया, हम सह लेंगे. ये तो बता क्यों, ताकि अगली बारी वो गलती ना करे. समझ आ रहा है? तो बताओ बेटा, वन टाइम रिजेक्शन के बाद वो हमें क्या दे देंगे? रीजन बता देंगे, और ये रीजन के साथ हम अपना बिल मॉडिफाई करके दोबारा से उसको घुमा के लाएंगे. कहां से? लोकसभा, राज्यसभा, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बिल कह रहे मैं बहुत थक गया. कोई बात नहीं बेटा, एक बारी की मेहनत है, फिर इसके बाद जिंदगी भर तू परमानेंट लॉ हो जाएगा. उसको समझाया हमने, हौसला दिया. तो बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बारी क्या करा? साइन कर दिए. साइन करने के बाद अब ये क्या होगा? नोटिफाइड होगा इन द
ऑफिशियल गैजेट, बोला पड़ेगा नोटिफाइड होगा इन द व्हाट इज ऑफिशियल गैजेट, गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर या जर्नल कह लो या मैगजीन कह लो, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी दिल दिया गल्ला करती है, समझ आ रहा आपको, और जो बात नोटिफिकेशन में आ गई वो लॉ बन गई और वो सबको माननी ही पड़ती है, पॉइंट समझ आ रहा आपको। आप ये थोड़ा होता नहीं रुक रहा रेड लाइट पे, मेरी मर्जी, दो पड़ती है, रुक जाऊंगा अगली बारी से, चलान निकल, आपको मन थोड़ा ना करो होता, आपको मानना पड़ता है, समझ आ रहा आपको। एक बंदा आपसे लड़ रहा है, आप कह रहे लाओ चाकू, साथ वाला आपको कह रहा है रहन दे यार, पोषण पा खेलना पड़ सकता है, तो आप रुक गए, नहीं तो, पॉइंट समझ रहे हैं आप, आपका तो मन था कि उसको मार दिया जाए, समझ आ रहा है, लेकिन वो तो लॉ था जिसने आपको रोक लिया कि ना मार भाई। और बताओ बेटा, आपको लॉ की बात माननी पड़ेगी, आप ये थोड़ा ना कहेंगे मैं नहीं जा रहा जेल, फिर पता ना वो कैसे लेकर जाते हैं, अच्छा चल रहे हैं चल रहे हैं, समझ रहे हो आप बात, तो लॉ मानना पड़ता है, नोटिफाइड होता है ना, तो जो चीज ऑफिशियल गैजेट में आ जाती है वो आपको माननी पड़ती है, कोई ऑप्शन थोड़ा देता है लॉ, समझ आ रहा है, लॉ कंपल्शन है, मानना ही पड़ेगा, माई कंट्री माई रूल्स, मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट कह रही है, समझ आ रहा है आपको। फिर बताओ ये एक्ट लागू कब से होगा, लागू करने को कहते हैं कमेंसमेंट, नोटिफिकेशन में हम लिखेंगे कि ये एक्ट कब से एप्लीकेबल होगा, समझ आ रहा है आपको, तो एप्लीकेबल की या तो आपने डेट बताई होगी तो तब से होगा, और अगर डेट नहीं बताई देन, आओ जरा आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन करवाते हैं, हम जब जीसीए पढ़ेंगे ना, हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे कमेंसमेंट, कमिंग इनटू ऑपरेशन के ऊपर, समझ आ रहा है आपको, इसमें ये क्वेश्चन है, मई 2019 में आया भी था, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, आप जरा पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द जीसीए, जीसीए को ध्यान में रखते हुए फाइंड आउट द डे एंड डेट ऑन विच फॉलोइंग एक्ट कम्स इनटू फोर्स, व्हाट इज कम्स इनटू फोर्स, कम्स इनटू फोर्स मतलब ये एप्लीकेबल कब से होगा, ठीक है ना, और रीजंस भी बता देना, जैसे पहला आप बताएंगे, ये मई 2019 का क्वेश्चन है, पहला आप बताएंगे, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है विच हैज नॉट स्पेसिफिकली, कौन सी कली, नॉट अनारकली, वो तो छोड़ छाड़ के अपने, हाँ वापिस आओ, कह रहे हैं एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच हैज नॉट स्पेसिफिकली मेंशनड अ पर्टिकुलर डेट, बेटा एक एक्ट आ गया लेकिन उसने डेट नहीं बताई कि ये कब से एप्लीकेबल होगा, तो बताओ फिर कब से एप्लीकेबल होगा, क्या यही तो है, तो बताओ, इट शैल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव द असेंट ऑफ, किसकी सहमति, फर्स्ट पॉइंट आपने सॉल्व कर लिया, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ आ गया आपको, दूसरा आओ जी आओ, दूसरी बात भी आपके साथ करते हैं, ये है सेबी, सेबी समझते हैं आप, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने रेगुलेशन जो है इशू करी 14 अगस्त को, लेकिन इफेक्टिव डेट लिखी है उसकी कब, 1 जनवरी 2016, मतलब नोटिफिकेशन आ गई है पर एप्लीकेबल डेट कौन सी बताई है, 1 जनवरी 2006, तो बताओ बेटा कमेंसमेंट डेट बताई गई है या नहीं बताई गई, तो एप्लीकेबल 14 अगस्त से होगा या 1 जनवरी से, पॉइंट समझ आ रहा आपको, तो यानी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा कब से, कम इनटू एनफोर्समेंट ऑन 1 जनवरी 2016 रेदर देन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, 14 से एप्लीकेबल नहीं होगा, 14 से एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल होगा तो कब से होगा, 1 जनवरी, समझ आ रहा है, 2016 का डोला, अच्छा सीधी बात बोलो, अच्छा यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हुआ आपको, बोलो यस और नो, अब आगे बात करते हैं, सुनने वाली बातें हैं आप सुनने में भी, मेरी ड्राइंग का कोई मुकाबला नहीं है, समझ आ रहा है आपको, हे प्रभु, मैं आपके साथ कुछ बातें करता हूं,
ऐसे ही होता है बेटा, जब पेपर स्टार्ट होता है ना, हैंडराइटिंग अलग होती है, पेपर के एंड में आते आते ऐसी हो जाती है। अभी तो हमारा अगली लाइन नहीं थी इशू करनी, तो मैं ऐसे करके निकल जाते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे ही होता है। अब आप कह रहे स्टार्टिंग में देख कितनी डॉट्स लगाई हैं, फिर देख एंड में आते आते दो चार महीने पड़ गया। आओ जरा सुनना, लेट सपोज ये कंपनी सेक्ट है, लेट सपोज ये अपना क्या है, कंपनी सेक्ट, तो यानी द कंपनी एक्ट 2000। अब जरा सुनने वाली बात है और सारे बच्चे ध्यान देना बेटा, ये जो एक्ट होता है इसमें हमेशा कैपिटल अल्फाबेट ही यूज होता है। जैसे ये एक्ट और इस एक्ट में लॉ में डिफरेंस होता है, इस एक्ट का जिसमें कैपिटल अल्फाबेट यूज होता है, समझ आ रहा है आपको, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, चौंक गए, ये बताओ क्या होता है, आंसर शीट पे अगर पानी का गिलास गिर जाए याद है वो किसी के हाथ हुआ है, फिर आप जो लगे होते हो साफ करने में भाई पेपर है वैसी, किसी के हाथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, ग्लास हमेशा साइड पे रखना चाहिए पानी का नहीं फिर टेबल पे रखे हो कई बार बेटा, हम एग्जामिनेशन हॉल में हमारी स्पीड जब पेपर एंड पे होता है ना, हम बहुत स्पीड में होते हैं, आप कभी देखो वो टेबल बेंच पूरा ऐसे हिल रहा होता है कि उसका सामान भी ऐसे ऐसे कर रहा है, रुको 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 याद है आपको वो दिन, हर बार ही होता है, हर साल आते हैं है ना, सीजन होता है इनका भी। तो आओ जरा, तो एक्ट का मतलब हम पढ़ रहे थे, एक्ट का मतलब होता है बेटा रूल्स, और ये एक्ट का मतलब होता है एक्शन। आपने कुछ क्राइम करा या आपने कोई ऑफेंस करा, ये सब के लिए स्मॉल अल्फाबेट, और इसके लिए तो हमेशा जितने भी एक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं या जितने भी एक्ट हमारे देश के होंगे उसमें बताओ कौन से वाला अल्फाबेट यूज करना है आपको। ये देखो जब मैंने आपको कोर्स लिखवाया तो बताओ कंपनी एक्ट में फेमा में हमने एक्ट कौन सा लिखा, कैपिटल वाला, जीसीए में कैपिटल वाला, एलएलपी में कैपिटल वाला, कंपनीज में, यानी एक्ट के नाम में जब भी आएगा ए, ए मतलब एक्ट वाले में ए जो आएगा वो हमेशा कौन से वाला आएगा, जल्दी बता दो। अच्छा ये जो ईयर होता है, हर एक्ट के पीछे एक ईयर जरूर लगा होता है, हर एक्ट के पीछे एक, आओ जरा मैं आपको बताऊं एक बात, एक्ट के पीछे दो, दो में से एक ईयर है, पहला होता है असेंट ईयर और दूसरा होता है एप्लीकेबल ईयर, आपके हिसाब से कौन सा लगता होगा? हाँ जी आवाज में दम नहीं है, क्या असेंट ईयर लगता है, एप्लीकेबल ईयर नहीं लगता। अब मैं आपके साथ फाउंडेशन से एक एक्स्ट्रा बात डिस्कस करने जा रहा हूं। लॉ में ना दो तरह के टाइटल होते हैं, लॉ में दो तरह के टाइटल होते हैं, टाइटल वर्ड का मतलब होता है हेडिंग, टाइटल वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, आवाज में दम नहीं, टाइटल वर्ड का मतलब क्या होता है, हेडिंग दो तरह की होती है, एक होता है लॉन्ग टाइटल, जेकार लगाओ, एक क्या होता है बच्चे अपना, आवाज में दम नहीं है क्या, और एक अपना होता है शॉर्ट टाइटल, एक लॉन्ग टाइटल होता है और एक शॉर्ट टाइटल होता है। जितने भी एक्ट के नेम हैं, जितने भी एक्ट के क्या हैं, आवाज में दम नहीं है, जितने भी एक्ट के क्या हैं, नेम है, वो सब होते हैं शॉर्ट टाइटल, यानी शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है नेम ऑफ द एक्ट, नेम ऑफ द एक्ट, शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है नेम ऑफ द एक्ट। कुछ बातें समझ आ रही है आपको? अच्छा जैसे अब मैं आपको बताता हूं, ये ऑडिट का मॉड्यूल है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कुछ, वैसे जरा समझना, ये बताओ ये बुक पर कुछ लिखा हुआ है, हर्ष आप बताओगे क्या है लिखा हुआ, आवाज में दम नहीं है क्या, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, जब लड़ाई में चीखता वैसे वाला, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, समझ आ रहा है क्या लिखा है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, तो ये टाइटल है इस बुक का, आप बताओ इसको, इसके बाद जो ये टाइटल लिखा हुआ है इसको देखकर आपको पता चल गया ये ऑडिट की बुक है, यस और नो, यानी आपको ऑडिट की बुक का ऑडिट उसके नाम से ही पता चल गया कि इसके अंदर सारा मैटर किससे रिलेटेड होगा, पॉइंट्स ब्राइट हो रहे, यस और नो, अच्छा चलो ये देखो ये क्या है, एक बुक है, इस पे क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा भाई तो है ही,
लड़ाई वाला कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। हाँ मैं डर गया मैं तो डर गई। चलो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, यानी इससे क्या पता चल रहा है, ये बुक किस चीज की है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो ऐसे ही भाई ये एक्ट में 470 बातें किससे रिलेटेड होंगी? कंपनी से रिलेटेड होंगी, यानी कंपनी से रिलेटेड रूल्स हैं जो 2013 में अप्रूव्ड हो गए थे। तो यानी शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है बेटा नेम ऑफ द एक्ट। सारे बच्चे बोलेंगे शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है आवाज में दम नहीं है, क्या होता है? तो यानी सारे एक्ट के नेम जो आपने पढ़े थे फाउंडेशन लेवल पर, सारे एक्ट के नेम जो आपने पढ़े थे फाउंडेशन लेवल पर, समझ आ रहा आपको, वो सारे क्या थे? शॉर्ट टाइटल थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या था? शॉर्ट टाइटल, यानी एक्ट के नेम को शॉर्ट टाइटल कहा जाता है। तो सर फिर लॉन्ग टाइटल किस लिए होते हैं? लॉन्ग टाइटल बताते हैं ओएसपी, एक बार बोलना पड़ेगा क्या? आवाज में दम नहीं है क्या? यानी लॉन्ग टाइटल इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव स्कोप और पर्पस बताएंगे। लॉन्ग टाइटल इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव स्कोप और पर्पस बताएंगे। आप सबको बोलना पड़ेगा लॉन्ग टाइटल हर एक्ट का क्या बताते हैं? ऑब्जेक्टिव स्कोप और पर्पस। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ऑब्जेक्टिव स्कोप और पर्पस बताते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक की सारी बातें तो आपको स्प्राइट है, यस और नो? ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो लॉ पढ़ने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए ना कुछ सहारा लेना पड़ता है, तो वो सहारों में से एक सहारा है लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल क्या होता है? एक्ट का वो पार्ट जो आपको क्या बताता है? ऑब्जेक्ट स्कोप एंड पर्पस ऑफ द एक्ट, समझ आ रहा है? और शॉर्ट टाइटल क्या होता है बेटा? मेयरली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा कानून है उसके लिए यूज होता है, यानी जो एक्ट का नेम है, जो एक्ट का नेम है उसके लिए बेटा शॉर्ट टाइटल यूज होता है, समझ आ रहा है? यानी कंपनीज एक्ट एक समरी होगी, कंपनी ये जो नाम होता है ना वो किसी की समरी होती है, यानी इसमें आप अच्छा इनकम टैक्स एक्ट में आप क्या समझते हो किसके बारे में लिखा होगा? कंपनीज एक्ट में, एलएलपी एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप देख रहे हो, यानी ये जो शॉर्ट टाइटल होता है ये जो हेडिंग, अच्छा इस बुक में, इस बुक में, समझ आ रहा है आपको? यानी टाइटल इंडिकेट करता है कि इसमें सब कुछ क्या है, यानी टाइटल एक समरी का नाम होता है, एक हेडिंग का नाम होता है जो आपको इंडिकेट कर देता है। तो हम ना पूरी सब चीजों को समराइज करके, पूरी सब चीजों को समराइज करके, समझ आ रहा है आपको, एक नाम दे देते हैं। अच्छा एक वैसे बोलता हूं, चलो एमकेजी सीए एजुकेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं? नाम सजेस्ट करता है ना क्या होगा यहां, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी पॉइंट समझ आ रहा है? तो नाम जो होता है वो सजेस्ट करता है ये किस चीज के ऊपर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। और लॉन्ग टाइटल क्या बताता है आपको? ओएसपी, जे का लगो क्या बताता है? ओएसपी। समझ आ रहा है ना मेरे ख्याल से आप सभी को? अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, क्या लॉ जो है एक साथ लिखा जाता है या पैराग्राफ्स में स्प्लिट करके लिखा जाता है? ठीक है ना, तो जो लॉ में पैराग्राफ्स होते हैं, जो लॉ में क्या होते हैं, आवाज में दम नहीं, जो लॉ में क्या होते हैं उन्हें हम लॉ में सेक्शन के नाम से जानते हैं। यानी जो कंपनी सेक्ट का पहला पैराग्राफ होगा उसे आप पहला पैराग्राफ नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? सेक्शन नंबर। आवाज में दम नहीं है, सेक्शन नंबर, मजा नहीं आया, सेक्शन नंबर। यानी सेक्शन किसको कहते हैं? लॉ के एक पार्ट को कहते हैं। जैसे अब आप बताओ, आप ट्वेल्थ क्लास में थे, 12th A, 12th B, 12th C, 12th D, 12th E ऐसे सेक्शन होते थे। सेक्शन का मतलब क्या हो गया भाई? एक पार्ट ऑफ द 12th। ऐसी लॉ का एक पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया? सेक्शन। संविधान के एक पार्ट को क्या नाम दे दिया? आर्टिकल। समझ आ रहा है बात आपको? बोलो यस और नो। तो यानी पैराग्राफ नंबर वन को, यानी जो लॉ का पहला पैराग्राफ होगा उसको मैं बोलूंगा सेक्शन नंबर वन, तो पैराग्राफ नंबर टू को क्या बोलूं? आवाज में दम नहीं है, पैराग्राफ नंबर टू को क्या बोलो? सेक्शन नंबर टू। पैराग्राफ थ्री को, और बताओ बेटा
पैराग्राफ नंबर 470 को क्या बोलूंगा? क्या आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है? तो लॉ में जो पैराग्राफ्स कह लो या पॉइंट्स कह लो, उन सबको हम क्या कहते हैं? सेक्शन कहते हैं। उन सबको हम क्या कहते हैं? सेक्शन कहते हैं। अच्छा, आज ना हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, लॉ में आपको 1, 2, 3 के लिए आना है, ठीक है? और अभी आपका लॉ में थोड़ा ट्यूनिंग बैठ जाए, बेस बैठ जाए, फिर हम आपकी ऑडिट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एकदम से दो सब्जेक्ट अभी आप, मतलब मैं सिस्टमेटिक वे से स्टार्ट करता हूँ हर बारी ऐसी। पहले 15-20 दिन आप इसमें अपनी कमांड बना ले, फिर आपके ऊपर ऑडिट का सब्जेक्ट भी डाला जाएगा, ठीक है? तो ऑडिट के लिए अभी थोड़े से दिन आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है?